यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दरअसल बीते दिनों पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने फोन टैपिंग मामले को लेकर यूपी सरकार पर उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का गंभीर आरोप लगाया था। इस मामले को 15 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन प्रियंका गांधी के कार्यालय ने अभी तक उनके बच्चों के इंस्टाग्राम हैंडल की डिटेल नहीं दी है, जिनके हैक होने की बात कही गई थी। वहीं देखा जा रहा है कि बीजेपी के कई नेताओं ने सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि प्रियंका गांधी झूठ बोल रही थी और योगी सरकार पर गलत तरह का आरोप लगा रही थी। हालांकि प्रियंका गांधी ये पहले ही कह चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है और जनता का झुकाव जिस तरह कांग्रेस की तरफ हो रहा है, उसे देखकर योगी सरकार तिलमिलाई हुई है। इसीलिए चुनाव जीतने के लिए अब उनके बच्चों के न सिर्फ फोन को टैप करवा रही है बल्कि उनके बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी हैक किया जा रहा है। हालांकि अब देखना यह होगा कि प्रियंका गांधी की तरफ से इस मामले पर सफाई कब दी जाती है और आखिरकार पूरी डिटेल कांग्रेस कब भेजती है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।